मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 22 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे पापा दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं, कारण और निवारण क्या है। और उत्तर में बाबा ने समझाया कि बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। मुरली का गीत है प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं, तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं, वह आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। यह कोई मनुष्य का काम नहीं। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। ये किसकी महिमा है? बाप की। बरोबर देवताएं तो सत्युग में होते हैं, इससे देवताएं होते ही नहीं तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परमपिता परमात्मा जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। अब वह आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल न सके, मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, वह है सूक्ष्म वतन। वहां तो है मूवी, टॉकी तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको तीन लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है, दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे। भल क्रिश्चियन लोग हैं, वह जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सभी टाल टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता फिर बालक, वह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे, 2 से 4-5 पत्ते होते हैं, फिर तो कोई को चिड़िया भी खा जाती है, यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। ये बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे, जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकी नाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी, अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, तो यह बुद्धि में होना चाहिए। हम त्रिलोकी नाथ हैं,
यह बातें बड़ी वंडरफुल हैं, बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं, तो कंट्रास्ट तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो निकले हुए पत्ते को भी मुरझा देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो, बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं, भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सैल्वेज करते हो, ये दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नीचे नर्क होगा, जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ी है। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई, मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए, दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है, कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है, यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की, जगदम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे, अब वह माता पिता मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रत्न शिव बाबा से मिलते हैं, तुम हो गए पोत्रे, अब हम सुख घनेरे उस बेहद के पाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं, देने वाला वह है, कितनी सहज बात है। फिर समझाना है कि हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे, हम भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं, गांधी को भी मदद करते थे ना, तुम समझा सकते हो, यादव कौरव पांडव क्या करते थे, पांडवों की तरफ तो है परमपिता परमात्मा, पांडव है विनाशकाल प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठक्कर भीतर में ठोक देते हैं, तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं है, तो बहुत हर्षित रहना चाहिए, नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए, बच्चे तो बहुत है ना, तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है, सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता, हमारे में भी कोई पद्मा पद्म भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी हैं, जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली, कोई ना कोई कारण से बाप को फारकती दे देते हैं, बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा दूर तो कहीं फारकती ना दे देवे, समझाते हैं तुम विकार में जाकर खुल कर नाम बदनाम करते हो, अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं, अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, बाबा कहते हैं मैं तो टीचर हूँ, सर्वेंट हूँ ना, तो टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या, बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं क्या हम उनसे पांव धुलवाऊं? नहीं, गाया भी जाता है निराकार निरहंकारी, यह भी ब्रह्मा भी उनके संग में निरहंकारी बन गया है, अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा, अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो,
तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो, हमारे भी कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात ना समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्रह्मणी संशय नहीं मिटा सकती तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की है, जहां तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे, या तो बोलो कि ये बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चलकर समझाएंगे, फिर पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती हैं। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी हैं, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी, अपने को छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा है कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वह ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जब भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामना पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको ये संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को ये राजयोग सिखलाना है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनाना है, ये संकल्प होगा। ये संकल्प उठेगा वह जब आने का समय होगा, तब संकल्प उठेगा। विचार है, ये संकल्प नहीं होगा। भल इनमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है ना, तो गाया भी जाता है भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा। सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा, वह भी ड्रामा में बंधाए मान है। ये बहुत गुहे बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को। नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा चांद सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब रात्रि क्लास है, तो रात्रि क्लास में बाबा ने कहा कि बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो बाबा पूछते हैं कि बच्चे शिव बाबा को याद करते हो, फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो, बेहद के बाप का नाम शिव है, फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे बम्बई में बबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं, सत्युग में है फूल, यहाँ सभी है कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव, कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सत्युग में पाप होते ही नहीं है, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया और यह है पापात्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं पांच विकार, सत्युग में रावण होता ही नहीं, यह है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सभी दुखी तमो प्रधान है। तब कहते हैं कि बच्चे मामेकम याद करो, यह गीता के अक्षर हैं। बाप खुद कहते हैं देह सहित सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, यह शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं कि मैं परम धाम का रहवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाप कहते हैं पवित्र बनने बिगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो, भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते, उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूँ, सो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे
जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। सन्यासी कब राजयोग सिखा ही ना सके, बाप ही सिखाते हैं। वास्तव में ये शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद दैवी राजधानी में जाएंगे। अल्फ है एक बाप, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। यह है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापिस घर चली जाएंगी। मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति अक्षर ही है शांति धाम सुख धाम के। बाप की याद बिगर घर जा नहीं सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी हैं नास्तिक, बाप को नहीं जानते। तुम अभी आस्तिक बनते हो, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनेशंति। अभी विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जिनके प्रीत बुद्धि है वह है विजयंती। बाप कितना सहज कर सुनाते हैं परंतु माया रावण भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमर लोक, वहां काल होता नहीं। बाप को कहते हैं आओ साथ में हम सभी को ले चलो, तो काल ठहरा ना। सत्य में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है ही नहीं। वहां ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर है, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना, सूक्ष्म वतन में है मूवी। यह समझने की बातें हैं। यह गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवाचान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। और सेकंड पॉइंट, बाप दादा समान निराकारी और निरहंकारी बनना है। हिम्मत रख, विकारों पर जीत पानी है, योग बल से बादशाही लेनी है। बाबा ने आज वरदान दिया, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो आप द्वारा हर एक को ये अनुभव हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी व योगी तू आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।